सारी डेलिकेसीज बनाई जाती हैं। पार्टिकुलरली अगर हम बात करें तो एक ऐसी डिश है जिसको हम कहते हैं बड़े, बड़े बनाए जाते हैं साथ में पाडरी और पकवान जो है वो बनाए जाते हैं हम मंडे की। नमस्कार, आप देख रहे हैं पाडर मचेल और आपके साथ मैं हूँ आशीष चौहान। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आजकल हमारे पाडर में एक त्यौहार जो है वो मनाया जा रहा है जिसे हम पाडर में कंचेती के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये त्यौहार पूरे देश भर में मनाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट नामों से। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जो न्यूली वेड कपल्स हैं और जो मैरिड हैं, पार्टिकुलरली अगर हम वेमेन की बात करें तो अपने हस्बैंड्स की लॉन्ग लाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं और कामना करते हैं। दोस्तों, अगर हम पाडर की बात करें तो पाडर में ये फेस्टिवल है कंचेती का, ये 4 डेज तक कंटिन्यू होता है। फर्स्ट डे की अगर हम बात करें, हर डे का एक पार्टिकुलरली पाडरी नेम रखा गया है। फर्स्ट डे को झाजो कहते हैं, सेकंड को जिकर, थर्ड को गर्त्यास और फोर्थ को उसार कहते हैं। दोस्तों, आज गर्त्यासी है और आज की अगर हम बात करें तो बहुत सिग्निफिकेंट डे होता है। दोस्तों, ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं इसे हम गर्जा कहते हैं। ये यहाँ पर मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है माँ पार्वती और लॉर्ड शिवा की। और ये जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको दिखा दूंगा, ये 5 बॉल्स हैं, 5 जिनको हम कटोरिया कहते हैं। आज 5 और कल जब सुबह की बात करें तो 7 कटोरियों का जो है वो भोग चढ़ाया जाता है। अब ये 7 है, 5 क्यों है, इसकी कहानी कभी रिसर्च करके हम आपको बताएंगे। फिलहाल पहले डे की अगर हम बात करें तो पहला डे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस दिन पूरे जैसे दिवाली में घरों को सजाया जाता है, वैसे ही फर्स्ट डे को भी हमारे घरों में सफाई होती है और घरों को सजाया जाता है। सेकंड डे की अगर हम बात करें तो बहुत सारी डेलिकेसीज बनाई जाती हैं। पार्टिकुलरली अगर हम बात करें तो एक ऐसी डिश है जिसको हम कहते हैं बड़े, बड़े बनाए जाते हैं साथ में पाडरी और पकवान जो है वो बनाए जाते हैं। हम मंडे की बात करें और भी ऐसी चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं। दोस्तों, थर्ड डे जो आज है गर्त्यास और फोर्थ डे उसार, उस दिन जो गरुत है, जो ये हमारे अरुण जी हैं इनको हम गरुत कहते हैं, ये हमारी मम्मी के गरुत हैं, इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है कि कल ये जो मूर्ति है इनको उठा के कंधे पे फिर ले जाते हैं विसर्जन करने जो नियर बाय ब्रूक है। दोस्तों, आज हम जम्मू में हैं लेकिन हमने सोचा कि हम अपनी इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करें। हालांकि पाडर में ये ट्रेडिशन हमारा कंटिन्यू रहता है, वहाँ पे डिफरेंट तरीके से ये मनाया जाता है, वहाँ पे बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में मनाया जाता है। मेरी यही गुजारिश रहेगी आप सब से कि आप जहाँ पे भी हैं, बाहर हैं, कहीं पे भी हैं, आप अपने इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखें। आप सभी जानते हैं कि पाडरी ट्राइब हमें घोषित कर दिया गया है और उस पर भी मोहर आज लगी है। ये बहुत ही खुशनुमा दिन है पूरे पाडर के लिए, क्योंकि आज ही ST बिल जो था उसको प्रेसिडेंट का एसेंट भी मिला है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो 3-4 डेज पहले एक दुर्घटना भी हुई थी हमारे पाडर में, हाकोपलाली रोड पे, जहाँ पे हमने 3 precious lives जो है वो खो दी थी। आज के दिन हम ये भी कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जो जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिन पेशेंट्स का जो इंजर्ड हैं वो जल्दी ठीक हो जाएं और अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो कंटिन्यू करें। लास्ट चीज़ एक और बताना चाहेंगे आपको कि जो पाडरी ट्राइब जो हमें घोषित करा गया है, हमारी अब पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करें। जहाँ पे भी हैं, जिस भी तरीके से हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, हम अपने कल्चरल वैल्यूज़ को ज़रूर अपने साथ संजो के रखें। आप देखते रहिए पाडर मचेल, हम आपके साथ ऐसे और वीडियोज़ के साथ रूबरू करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।